बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कैनरेड। यू हैव रेड द करेक्टर्स एज वेल एज यू हैव ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस समरी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम करेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस करेक्टर ऑफ मार्लो। I have notes. There are near about 9 points are over there. First, character sketch of Marlowe. Marlowe had sunken cheeks. What is the meaning of sunken? Yes, you. I'm asking you. पिचके हुए गाल थे। अ येलो कम्प्लेक्शन, उसका कलर जो था वो येलोइश पेल था। अ स्ट्रेट बैक, सीधी कमर, जिस तरह के बुद्धा की कमर सीधी है, जिस तरह योगियों की कमर सीधी होती है। द पाम्स ऑफ हैंड आउटवर्ड, और उसने हथेलियों का रुख आसमान की तरफ किया हुआ था। ही सिटिंग इन द बुद्ध स्टाइल, बुद्धिस्ट स्टाइल, जैसे योगा के लोटस में बैठते हैं और हाथों का मुद्रा बनाते हैं, उस पोज में वो बैठा हुआ था। रिजेंबल्ड एन आइडल, ऐसे लगता था जैसे बिग बुद्धा का बड़ा मुजस्मा बैठा हो। इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस ही इज सीन सिटिंग क्रॉस लेग्ड। क्रॉस लेग का मतलब है एक पाँव को उठाकर अपनी थाई के ऊपर रखना और एड़ी को अपने पेट के साथ लगा लेना। फिर इसी पोज में बैठे बैठे दूसरे पाँव को उठाकर उसे दोबारा दूसरी साइड पर अपनी थाई पर रखना और एड़ी को पेट से लगा लेना। इस तरह क्रॉस लेग्ड होता है और इसको योगी लैंग्वेज में कहते हैं लोटस, लोटस बैठना। बुद्धा की पिक्चर्स आपने देखी होंगी बुक के ऊपर, उसमें क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ बुद्धा कई बार नज़र आता है। सो ही इज़ डिपिक्टेड एज अ मेडिटेटिव फिगर। वो ऐसे बैठा था जैसे किसी मेडिटेशन के अंदर हो, जैसे किसी ट्रांस के अंदर, गहरी सोच के अंदर हो। इन द हाईएस्ट सेंस, सबसे अच्छे सेंस में हो। हाईएस्ट सेंस में वो किसी ट्रांस में है, किसी एक्सटेसी में है। ही इज बैचलर, वो मेरी तरह था। द वॉन्डर, आवारा गर्द था। द यूनिवर्सल गेस्ट, और वो घूमने फिरने वाला और मिलनसार आदमी था। द सी मैन, सुपीरियर टू हिज क्लास, वो समंदर में रहने वाला, सफ़र करने वाला आदमी तो था, बट इन सम सेंस ही वाज सुपीरियर, बेटर इन हिज क्लास, इन हिज थिंकिंग, इन हिज ग्रेस, मीन कि वो एलीट मिजाज का था। एंड द टेलर ऑफ टेल्स, कहानियाँ सुनाता रहता। द बैरोमीटर, हुज सेंसिबिलिटी एंड प्योरिटी ऑफ जजमेंट इंट्रीग एंड मैडन हिज ऑडिटर्स। ये बैरोमीटर है, ये एक पैमाना है, ये पैमाइश है, ये पैमाइश करने का आला है, टेम्परामेंट, टेम्परेचर नोट करने का आला है। ये बैरोमीटर क्या होता है? एक ऐसा थर्मामीटर होता है जिससे टेम्परेचर चेक किया जाता है। ये एक टेम्परेचर चेक करने वाले आले की तरह, हुज सेंसिबिलिटी एंड प्योरिटी ऑफ जजमेंट, जिसकी सेंस, जिसकी प्योरिटी, जजमेंट साफ सुथरी थी। इंट्रीग एंड मैडन हिज ऑडिटर्स, जो इसके पढ़ने वालों को, इसके समझने वालों को, जो इसकी करेक्टर को बनाने वालों को एक बार दीवाना कर देती है। मीन टू से दैट मार्लो अपनी जजमेंट में वेरी क्लियर था, ठीक है, और जो पढ़ने वाले, समझने वाले और ऐसा करैक्टर बनाने वाले कोई फिल्म के डायरेक्टर वगैरह हैं, वो एक बार परेशान हो जाते थे। हिज करैक्टर इज अ कंट्रास्ट विद लॉयर, डायरेक्टर एंड अकाउंटेंट। इसे करैक्टर मुनफरद था उस नीली शिप के ऊपर बैठे हुए लॉयर, डायरेक्टर और अकाउंटेंट से। शिप ठहरा हुआ है और वो टाइड का इंतज़ार कर रहा है कि कब फेवरेबल एटमॉस्फेयर हो, फेवरेबल लहरें हों, और वो वहाँ से सफ़र शुरू करे समंदर के अंदर। तो वहाँ पर ये मार्लो एक जहाज़ के ऊपर चार लोगों के दरमियान एक ये है। ही इज़ आल्सो द एजेंट ऑफ सिविलाइजेशन एज अगेंस्ट
primitivism. He is also the agent of civilization as against primitivism. अच्छा जी, primitivism ये क्या है जी? ये जो फरसूदा और पुराने लोग हैं, वो उस वक्त जो फरसूदा और पुराने लोग थे उनके अगेंस्ट जो सिविलाइजेशन के एजेंट थे उनमें एक ये भी था. मीन के यूरोप क्या कह रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस ये कर रहा था ना कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी कदामत परस्त पुराने ख्याल के लोग हैं उनको हम सिविलाइज करने जा रहे हैं. तो ये भी उन्हीं का एक पार्ट था, ये भी एक एजेंट बन के गया था. He undertakes a long journey to the inner station in the African jungle to meet and talk to Kurds. Kurds से मिलने के लिए वो inner station पर गया. कहाँ पर? अफ्रीका के जंगलों में. किस रिवर पर? कांगो. But the static, airless, primitive atmosphere, लेकिन वहाँ पर जामिद साकेत वो जो कदीम किस्म का एटमॉस्फेयर था ऑफ इनर स्टेशन बिगिंस टू सफोकेट हिम, वो मार्लो को सफोकेट करने लगा. मार्लो को सांस लेना महाल हो गया, वहाँ पर वो रह नहीं सकता था. जिस तरह की वहाँ पर सूरत हाल थी, जिस तरह पे वहाँ पर अफ्रीकन को यूटिलाइज किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, जिस तरह उन पर तशद्दुद किया जा रहा था, जिस तरह उनसे उन्हें काम पर लगा कर उन्हीं के सोर्सेज को ख़त्म किया जा रहा था, ये सारे काम हो रहे थे. वहाँ पर मार्लो क्या, मार्लो अपने आप को वहाँ पर घुटन में महसूस कर रहा था. बिकॉज ही डिडंट लाइक दिस एटमॉस्फेयर. कौन सा एटमॉस्फेयर? वो जो कार्ड्स के इर्द गिर्द था. कार्ड्स कौन था? वहाँ पर एक हाफ फ्रेंच हाफ इंग्लिश ये आदमी था जो वहाँ पर हुकूमत कर रहा था और वहाँ से हाथी दांत इकट्ठे करके दे रहा था. किसको? इंग्लैंड को और फ्रांस को, अपनी कंपनी को. वो कंपनी कौन सी जो कहती थी कि हम लोगों को सिविलाइज करने के लिए अफ्रीका में जा रहे हैं. क्लियर? एंड ही कैन हार्डली वेट टू गेट बैक टू द सिविलाइज्ड वर्ल्ड. बस उसने इंतज़ार नहीं किया और फौरन सिविलाइज्ड वर्ल्ड से सिविलाइज्ड वर्ल्ड में वापस आ गया, इंग्लैंड वापस आ गया. थर्ड पॉइंट, मार्लो हियर्स कर्ट्स लॉस्ट वर्ल्ड सर्व्स एज हिज स्पिरिचुअल आर्किटेक्ट. जैसे कि वो उसका स्पिरिचुअल मास्टर हो, जैसे कि उसकी रूह को इमेंड करने वाला हो, जैसे कि कन्फेस कराने वाले पास्टर होते हैं, वैसे ही मार्लो था. और उसने कर्ट्स के आखिरी अल्फाज सुने, बाय ब्रिंगिंग बैक हिज बॉडी एंड डिलीवरिंग अ लॉस्ट मैसेज टू हिज ग्रीविंग स्वीट हार्ट. और उसकी बॉडी को दोबारा कहाँ लेकर आया था? इंग्लैंड में. और उसके लास्ट अल्फाज सुने थे और किसको जाके बताए थे? हाँ, उसकी वाइफ को, उसकी बिलवेड को जाके बताए थे. क्या मैसेज डिलीवर किया था? वो जो दुखी उसकी स्वीट हार्ट थी, बट रिटर्न्स टू यूरोप. मैसेज दिया था कि वो आखिरी अल्फाज में भी तुम्हें याद कर रहा था, जो कि एक झूठ बोला था उसने. ही डिस्कवर्ड रिटर्न टू यूरोप बिफोर ही हिमसेल्फ सिंक्स परमानेंटली इनटू द कर्टिजन गैगमायर कगमायर. इससे पहले कि वो कर्ट्स जैसी दलदल में फंस जाता, कर्ट्स जिस दलदल में था, कार्टिजियन कगमायर के अंदर वो खुद भी उस गंद में फंस जाता, इससे पहले वो वापस आ गया. कहाँ पर? ओके, यूरोप वापस आ गया. फोर्थ, मार्लो एम्ब्रेसेस द इनएस्केपेबल डार्कनेस ऑफ लाइफ. मार्लो ने ऐसी तारीकी देखी जिंदगी की जिससे बचना महाल था. बट इट इज़ मार्क ऑफ हिज ह्यूमनिटी, लेकिन ये उसकी इंसानियत थी, दैट ही मेंटेन्स हिज पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद इन इट, कि उस तारीकी में रहकर भी उसने क्या किया? काम नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन उसने कायम रखा, मेंटेन रखा. सो रहे हैं आप? वहां पर डिस्क्रिमिनेशन उसने कैम रखा, उसने अपने आप को मुनफरद रखा. ही डिस्कवर्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू फंक्शन इन डार्कनेस. उसने कहा ये नामुमकिन है कि डार्कनेस में काम तो किया जाए विदाउट फॉलिंग सेटनिकली, कि आप शैतानों की तारीकी में तो रहें, शैतानों के साथ तो रहें, लेकिन आप वो ईवल ना रहें. कह रहे दैट इज वेरी डिफिकल्ट, कि जहाँ पिच ऑफ सेटनिज्म हो, जहाँ पर
वहाँ पर इंसान अपने आप को उनसे अलग रखे। इनटू इट्स बॉटमलेस पिट लाइक कर्स, जैसे कि बुराइयों की दलदल थी, बॉटमलेस पिट था, गढ़ा था जिसमें कर्स मौजूद था, वहाँ पर रहकर भी, उस तारीकी में भी रहकर अपने आप को महफूज और मुनफरद रखना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आर एग्जिस्ट इन लाइक द मैनेजर विदाउट द स्लाइटेस्ट अवेयरनेस ऑफ लाइट, या जिस तरह के वहाँ पर मैनेजर एग्जिस्ट कर रहा था। मैनेजर कार्ड से पहले रहता था स्टेशन पर या बाद में रहता था? पहले रहता था मैनेजर। तो मैनेजर भी इसी पिच तारीकी बुराई के अंदर वो डूबा हुआ था और उसको रोशनी के नाम से भी वाकिफ नहीं था। वो जो कंपनी कहती कि वी आर द टॉर्च बेरियर्स, हम जा रहे हैं अफ्रीकन्स को सिविलाइज करने के लिए, और वो उनके नुमाइंदे रोशनी से तो वाकिफ ही नहीं हैं, वो खुद तारीकी और बुराई की दलदल में है। अलॉन्ग द कोस्ट मार्लो ऑब्जर्व अ बोट बीइंग रोड बाय ब्लैक्स, और फिर उसने देखा कोस्ट के करीब, साहल के करीब उसने देखा कि कुछ काले लोग एक बोट चला रहे हैं। ही एडमायर्स देयर वाइल्ड विटैलिटी, उनकी जो वैशी किस्म की ज़बरदस्त किस्म की ताकत थी वो कश्ती चलाते हुए, उसको एडमायर करता है। देयर कंसंट्रेटेड एनर्जी ऑफ मूवमेंट, और वो मिलाकर जब एनर्जी को लगाते थे वो भी दीदनी था, देखने के काबिल था ये सारा सीन। दैट मार्लोज ह्यूमनिज्म बिकम्स कैंडिडली क्लियर, और मार्लो की इंसानियत जो है वो कैंडिडली क्लियर, वो उस वक्त बिल्कुल वाज़े हो गई, कैंडिडली क्लियर बिल्कुल वाज़े हो गई। फ्राम हिज रिएक्शन एट द अपॉलिंग साइट ऑफ डाइंग नेटिव्स इन द ग्रेव्स, जब उसने कब्रों के अंदर वो वहाँ के नेटिव अफ्रीकन को मरते हुए देखा, और कब्रों के अंदर पड़े हुए मरते हुए अफ्रीकन को देखना, ये एक अपॉलिंग सीन था वहाँ का। और ये खौफनाक सीन देखकर उस पर क्या रिएक्शन दिया, जिस तरह दुख का इजहार किया मार्लो ने, तो मार्लो की ह्यूमनिज्म वाज़ह आ जाती है कि मार्लो वाज बेसिकली अ ह्यूमनिस्ट, ही वाज नॉट द वाइट इंग्लिश इंपीरियलिस्ट, ओके, वो इंपीरियलिस्ट नहीं था, वो जालिम नहीं था, वो साम्राज्य नहीं था, काबिज नहीं था, वो लूटने वाला नहीं था। अगेन व्हेन मार्लो क्रिटिसाइजेस द एडमिनिस्ट्रेशन दैट गिव्स दीज ब्लैक मैन 3-9 इंच लॉन्ग ब्रॉस वर पीसेस अ वीक एज देयर वेजेस, और दोबारा देखें मार्लो क्रिटिसाइज करता है एडमिनिस्ट्रेशन पर, कंपनी की या मैनेजर की एडमिनिस्ट्रेशन पर, कि वहाँ पर दैट गिव्स दीज ब्लैक मैन 3-9 इंच, कि उन काले लोगों को उजरत के बदले में 3-9 इंच, 3 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी ब्रास की एक पट्टी दी जाती है, ब्रास मेटल दिया जाता है, ब्रास वायर दी जाती है, पीसेस आ वीक एज देयर वेजेस, वीकली दिए जाते हैं। ये पूरे अफ्रीका के अंदर, कांगो के अंदर जहाँ जहाँ निग्रोस काम कर रहे थे उनको उजरत के उजरत में वो ब्रास दी जाती थी, थोड़ी सी ब्रास पूरा हफ्ता काम करा के, विच फेल्स टू बाय देम एनीथिंग, और वो उससे कुछ भी तो नहीं खरीद सकते थे। ही डिस्करेज देम फ्राम द हैबिट ऑफ कैनिबलिज्म, मार्लो के ये ह्यूमनिज्म पर पूरा पैराग्राफ है कि वो इंसान दोस्त था, वो इंसानियत परस्त था, और वो वहाँ पर डिस्करेज करता है कैनिबलिज्म को। कैनिबलिज्म का मतलब है कि इंसानों का गोश्त खाना, वहाँ पर कुछ अफ्रीकन जो है वो इंसानों का गोश्त खाना चाहते थे। मार्लो ने क्या किया, उनको फॉरबिड किया, डिस्करेज किया उनको, एंड डज नॉट अलाउ देम टू ईट ईच अदर इन हिज प्रेजेंस, और उसने जब वो बोट लेकर जा रहा था, मार्लो मैनेजर कुछ राहिब वहाँ के मजहबी लोग कुछ निग्रोज बोट पर जा रहे थे कॉर्ड्स की तरफ, उसकी इलनेस की वजह से, कॉर्ड्स की इलनेस की वजह से जब वहाँ पर जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ था, अटैक कर दिया था किन्होंने, कुछ सहेली निग्रोज ने अटैक कर दिया था, एरोज बरसाए थे,
और फिर मार्लो ने जोर जोर से हॉर्न बजाकर उनको भगाया था, लेकिन उस क्रूजर के ऊपर उस बोट के ऊपर कुछ लोग मर गए थे। अब दूसरे जो बैठे थे निग्रोज, वो ये चाहते थे कि वो इन जो मर गए इनको खा लें, तो लेकिन मार्लो ने उसकी इजाज़त नहीं दी अपनी आँख से उनको। ओके, और उसकी मौजूदगी में वो ऐसा नहीं कर सके। ही एडमायर्स अकाउंटेंट बाय सेइंग इन द ग्रेट डीमोरलाइजेशन, और उसने वो एडमायर करता है किसको, अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट जिससे वो सबसे पहले मिला था, ये कहते हुए इन द ग्रेट डीमोरलाइजेशन ऑफ द लैंड ही केप्ट अप हिज अपीयरेंस, कि इतनी ज़्यादा चारों तरफ डीमोरलाइजेशन, करप्शन, तबाही, बदखलाकी होने के बावजूद, गोरख धंधा होने के बावजूद, उसने अपने आप को दरमियान में कायम दायम रखा हुआ था, बेहतरीन साफ सुथरा रखा हुआ था। इन द एंड हिज लाइ टू गॉड्स फियोंसी टू सूथ हर, आल्सो सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी, और आखिर में जब वो गॉड्स की बिलव्ड को जाकर झूठ बोलता है कि वो आखिर में मरते वक्त गॉड्स तेरा नाम ले रहा था, हालांकि वो क्या ले रहा था, किसका नाम ले रहा था, उसने कहा था हॉरर हॉरर, उसने तो हॉरर हॉरर कहा था, लेकिन इसने जाके कहा कि उसने तुम्हारा नाम लिया है। तो ये क्यों कहा, ताकि वो लड़की सारी ज़िंदगी ये सोचे कि उसका लवर वाकई ट्रू लवर था और सारी ज़िंदगी उससे मोहब्बत करता रहा है, ठीक है, उसके दिल को दिलासा रहे ये। तो ये किस चीज़ की निशानी है, जवाब आप देंगे, ह्यूमनिज्म की, मार्लो की ह्यूमनिज्म पर ये सारे आपने डायलॉग पढ़े हैं कि मार्लो वाज अ ह्यूमनिस्ट, इंसान दोस्त आदमी था वो। टॉकिंग अबाउट मार्लो खॉन्डेड रिकॉर्ड्स दैट, मार्लो के बारे में बात करते हुए खॉन्डेड कहता है, यूथ मार्क्स द फर्स्ट अपीयरेंस इन द वर्ल्ड ऑफ मैन मार्लो, मार्लो की दुनिया में जवानी सबसे ज़्यादा काउंटेबल होने वाला एलिमेंट है, मीन कि मार्लो के अंदर जवानी है, जवानी की रमक मौजूद है, मार्लो की तमाम तर जो दुनिया इर्द गिर्द की वो जवान है, उसमें इंस्पायरेशन है, उसके अंदर स्टिमुलेशन है, उसके अंदर कोई मोटिवेशन मौजूद है, कोई मूवमेंट है, हरकत है। विद होम माय रिलेशंस हैव ग्रोन वेरी इंटीमेट, और जिसके साथ मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक बन गया था। देखो नावलिस्ट कहते हैं मार्लो के साथ मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक बन गया था, इन द कोर्स ऑफ ईयर्स, कई साल गुजरने के बाद, वो इमेजरी जो करेक्टर है, इमेजिनेटिव जो करेक्टर है, वो ऐसे जैसे दोस्त हो उसका, किसका, द रिमार्क एस्टेब्लिश द मॉरल आइडेंटिटी बिटवीन ऑथर एंड नरेटर। अच्छा, अब ये रिमार्क ये भी एस्टेब्लिश, ये रिमार्क ये बात डिटरमाइन कर देती है कि मार्लो और फिर नावलिस्ट के दरमियान कोई ऑटोबायोग्राफिकल भी एलिमेंट है, और ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं, हैरत की बात नहीं है, ऐसा तो होना ही है। नरेटर किसे कहा गया है, मार्लो को। मार्लो कैसे नरेटर है, क्योंकि स्टोरी में बैठकर वो नीली के ऊपर बैठ कर सारी कहानी सुना रहा है, ही इज़ अ नरेटर। तो ये अपनी मिजाज में एक नई टेक्निक का नावल है, जिसमें नावल शुरू होता है और फिर उसमें चार लोग हैं और चार में से एक कहानी सुनाता है और सारी लंबी कहानी सुना डालता है अपनी ही ज़िंदगी के बारे में। कॉन्रेड फर्दर सेज दैट, कॉन्रेड फर्दर ये कहता है, ही हाउंड्स माय आवर्स ऑफ सॉलिट्यूड, इसने मेरी तन्हाई के आवर्स को शिकार किया, यानी कि मेरी तन्हाई के कई घंटे इसने लिए हैं मार्लो ने, तन्हाई में मुझे ज़बरदस्त किस्म का सोलिटरी माइंड के साथ ज़बरदस्त मुझे काम करना पड़ा है। इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस नो एस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मार्लोज रोल, हार्ट ऑफ डार्कनेस में कोई एस्पेक्ट, कोई चीज़ भी इतनी अहम नहीं है जितना कि खुद मार्लो का रोल है। ही ऑब्जर्व्स ऑल द डार्कनेस इन अफ्रीकन हार्ट, मार्लो ने तमाम तर तारीकी देखी है, अफ्रीका के दिल की तारीकी देखी है, डीपली एंड देन ट्राइज टू वाइप इट आउट,
और उसने गहराई के साथ देखी है इस तरीके को, और फिर उस तरीके को छोड़ने की भी उसने कोशिश की है या साफ करने की कोशिश की है. एट द सर्कमस्टेंसेज, ऑल द सर्कमस्टेंसेज टोल्ड बाय अदर्स और कम बाय मालूस माउथ, और तमाम तर सर्कमस्टेंसेज जो भी दूसरे लोगों ने बताए, मैनेजर ने बताया या जिसने ही बताए, या कार्ड्स ने बताए या किसी और ने बताए, वो सारे के सारे जिसने ही बताए थे, वो सारे के सारे मार्लो के माउथ से हमें सुनने को मिलते हैं. ओके, पॉइंट नंबर 7. इन ऑल हिज स्टोरीज मार्लो अपीयर्स एज अ कोरल कैरेक्टर इन द फुलेस्ट सेंस. हमें तमाम तर जितने भी स्टोरीज कॉनराड ने लिखी हैं, मार्लो जो है उसके अंदर हमें क्या नजर आता है? कोरल कैरेक्टर. कोरल कैरेक्टर मतलब कोरस जैसा कैरेक्टर जो कि तमाम तर इवेंट्स पर अपनी कमेंट्री देता है. फुलेस्ट सेंस अपने पूरे होश आवाज में होता है, कोई कहीं पर भी वो पैशनेट नहीं होता, बल्कि वो सर्द मैरी के साथ कोरस की तरह बाहर ठहर कर ड्रामा पूरा बताता है. द वॉइस ऑफ कॉनराड हिमसेल्फ, यहाँ तक कि वो बाज़ुकात कॉनराड की आवाज़ भी बन जाता है. तो ड्रामा से टेक्निक मेरे ख्याल में थोड़ी सी उधार ली गई है. ही इज अ सीमैन इन वर्ल्ड वेयर शिप बोर्ड सोसाइटी इज अ सिंबल ऑफ ऑल ह्यूमन लाइफ. वहाँ पर शिप के ऊपर जो सोसाइटी दिखाई गई है, या शिप से मुतलका या सी से मुतलका, वो सारी की सारी तमाम दुनिया की ह्यूमन सोसाइटी को शो करती है. और मार्लो की फिलासफी, उसकी बातचीत, वो सीमन, ही इज़ अ सीमन इन द वर्ल्ड, वो सारी बातचीत ऐसे शो करती है जैसे वो नुमाइंदा हो या वो कमेंट्री कर रहा हो पूरी वर्ल्ड की. मीन टू से दैट, वो कहता है जितनी भी एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट किया गया जो मार्लो के इर्द गिर्द था, ये किस तरह का था? ये ऐसा था जैसे तमाम दुनिया की सोसाइटी हो और मार्लो दरमियान में ठहरा हुआ सेंसिबल तरीके से कमेंट्री कर रहा था. सीमैन ऑफ द वर्ल्ड, समंदर, सी, सी इज अ सिंबल ऑफ लाइफ. लाइफ की तरह गहरा होता है, लाइफ की तरह उछाल होते हैं, लाइफ की तरह इसके अंदर मसाइल होते हैं, लाइफ की तरह इसके अंदर एम्स होते हैं और खुशियाँ होती हैं, फेवर्स होती हैं. समंदर पूरी जिंदगी है. लाइफ की तरह गहरा है समंदर, लाइफ की तरह शालो है. He has waged alone to dark places and observed the brutality and then returned to tell the tale. और उसने waged सफ़र किया अकेले तारीक places पर और ऑब्जर्व किया किसको? ब्रूटैलिटी को. ब्रूटैलिटी मीन वहशत को. एंड देन रिटर्न टू टेल द टेल, और फिर वापस आया कहानी सुनाने के लिए. एंड प्रोवाइड द रीडर अ मॉरल फ्रेमवर्क फॉर हिज फर्दर डिस्कशन, और फर्दर डिस्कशन के लिए, फर्दर बातों के लिए उसने मॉरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया कि लोगों को बात किस टॉपिक पर करनी है. He seems to meditate between the extremes. ऐसे लगता है जैसे वो दो एक्सट्रीम्स के दरमियान बैठा मेडिटेशन कर रहा हो. मेडिटेशन कहते हैं ट्रांस, एक खास वजदानी कैफियत. देखो, अगर आप इस कैफियत को एंजॉय करना चाहते हो कि मेडिटेशन क्या होती है, तो सुन लीजिए. क्रॉस लेग्स बैठिए, कमर सीधी रखिए, सर सीधा रखिए, 10 times गहरे लंबे सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, दोनों भवों के दरमियान मौजूद सुरख नीले पीले शोलों को देखिए, सांस नॉर्मल से छोटा करते जाएं, फर्स्ट फिंगर की टिप अंगूठे की टिप से जोड़ लेंगे और बाकी उंगलियां सीधी और थाइस पर रख दें या घुटनों पर रख लें हाथ. ख्यालात जहन में आएंगे, ख्यालात को काटते जाएं, ख्यालात जहन में आएंगे, ख्यालात को इग्नोर करें. ख्यालात को जब आप इग्नोर करना शुरू करेंगे तो आधे घंटे बाद
आधे महीने बाद डेली प्रैक्टिस के, या आधा साल भी लग सकता है। एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त आपके पास यकसुई आ जाएगी, जहन में कोई ख्याल नहीं आएगा, एक ठंडा सुकून, और फिर भवों के दरमियान रंग दायरों में बदल जाएंगे, और फिर दायरों के अंदर सफ़र, और दायरों के अंदर से एक पूरी दुनिया सामने आ जाएगी। इतनी सालट और महफूज और इतनी शानदार दुनिया होगी जितने की आंखों के साथ देखते हैं, और वो दूर दराज केटू के पहाड़ों से भी हो आएंगे, वो आप सऊदी अरब की सरजमीनों से भी हो आएंगे। बैठे बैठे पूरी दुनिया में आप घूम आएंगे, और सॉलिड और कंक्रीट, दिस इज़ मेडिटेशन। ठीक है, अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते, ये तो पीक मैंने बता दी, तो वैसे भी आप वो सुनेंगे तो क्या होगा, उससे उस यकसुई से एक नीले रंग की रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है, जिससे आपको बहुत सुकून मिलता है और बेपनाह ताकत मिलती है। यहाँ पर मेडिटेशन करने का मतलब ये है कि दो एक्सट्रीम्स के दरमियान मार लो सोच रहा है कुछ, खाली है मेरा जाम मैं कुछ सोच रहा हूँ, ऐ गर्दिश आयाम मैं कुछ सोच रहा हूँ, पहले तो बड़ी रगबत थी तेरे नाम से मुझको, अब सुन के तेरा नाम मैं कुछ सोच रहा हूँ। कल रात मैं कदे में जब हादसा हुआ, जाहिद पी गया शराब मेरे हिसाब में। हेलो, देखे ना जाहिद दे कम, उसे कहते जाहिद, आप किसका नाम है, कौन है आपके मामू, देखे जाहिद दे कम, वो वायस दी शराब ही पी गए ने, वो बेचारा रोंदा फिर रहा। अच्छा जी, कहाँ से शुरू करें। He meditates between the illusion and sentimental. वो ख्वाब और जज्बात के दरमियान में सोच रहा है, मेडिटेट कर रहा है। Innocence and the complex Satanism of Cards. Cards की Satanism के, Cards की शैतानियत के, और यूरोप की इनोसेंस या निग्रोज की इनोसेंस के दरमियान मेडिटेट कर रहा है। बिटवीन द लाइट ऑफ सिविलाइजेशन, वो सिविलाइज्ड लोगों की रोशनी, एंड डार्कनेस ऑफ प्राइमाइटाइविज्म, ये जो कदामत परस्त लोग हैं, ये जो पुराने तर्ज के लोग हैं, ये जो अफ्रीकन हैं, इनकी तारीकी और सिविलाइज दुनिया की रोशनी के दरमियान सोच रहा है। बिटवीन कलोनीलाइजिंग यूरोप, और वो कलोनीज बनाने वाला, नौ आबादियात बनाने वाला, नए नए शहरों पर कब्जे करने वाले यूरोप, एंड ब्रोकन अफ्रीका और टूटे हुए अफ्रीका के दरमियान वो सोच रहा है। टू एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ तबाही बर्बादी है तो एक तरफ बेहतरी है, एक तरफ ब्रुटैलिटी है तो दूसरी तरफ इनोसेंस है। वो दरमियान में बैठा अहाता कर रहा है कि विच इज़ बेटर, विच इज़ गुड, विच इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन द वर्ल्ड, बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। ही थ्रो आउट द सुप्रीम कंप्रोमाइजर, वो बेहतरीन कंप्रोमाइजर था, चीज़ों को बैलेंस करने वाला था। सो वी कंक्लूड दैट मार्लो इज अ डिटेक्टिव ऑफ ह्यूमन सोल इन हार्ट ऑफ डार्कनेस, इंसानी रूहों की पहचान करने वाला, उनकी खोज लगाने वाला था मार्लो, हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर, जहां तक हम उसे जानते हैं। ही फॉलोज क्लूज टूवर्ड द सॉल्विंग मिस्ट्री ऑफ कॉर्ड्स, कॉर्ड्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उसने कुछ क्लूज, कुछ इशारे भी इकट्ठे किए। कॉर्ड्स क्या है, क्यों है, कैसे है। इट इज द नेचर ऑफ कॉन्डेट्स नरेटर्स, ये कॉन्डेट जो कि नरेटर है, ये कॉन्डेट के नरेटर की नेचर, इट इज द नेचर ऑफ कॉन्डेट नरेटर टू बिकम ओनली व्हाट द मीनिंग ऑफ द नॉवल्स रिक्वायर्ड ऑफ देम,
कॉनरेड जब भी कोई नावल रखता है तो उसके अंदर जो भी नरेटर रखता है उसकी ये नेचर है कि वो वहीं परफॉर्म करता है नरेटिव, वहीं कुछ कहता है जो नावल में रिक्वायर्ड होता है। कार्ड्स के लिखे हुए जो नावल हैं उनके अंदर, कार्ड्स के लिखे हुए नावल के अंदर तकरीबन कई नावल ऐसे हैं जिसके अंदर मार्लो मौजूद है करेक्टर, सिर्फ इसी का नहीं है और भी उसके नावल हैं जिसके अंदर मार्लो करेक्टर है। द मार्लो ऑफ लॉर्ड जिम बिलीव दैट इवन डेंजरस नॉलेज इज वर्दी ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, इवन के वो खौफनाक नॉलेज भी इस काबिल होता है कि उसको पढ़ा जाए, लोगों के अहाता होता है, लोगों की सहकी का पता चलता है। वेयर इज द मार्लो ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस बिलीव दैट डेंजरस नॉलेज मस्ट बी कंसील्ड। हार्ट ऑफ डार्कनेस का जो मार्लो है वो कहता है कि डेंजरस नॉलेज जहाँ भी हो उसे कंसील, छुपा दो उसे। जबकि जिम, लॉर्ड जिम का जो मार्लो है वो कहता है डेंजरस नॉलेज जहाँ भी हो उसको एक्सप्लोर करो, उसे सामने ले आओ और ये पब्लिक की एनालाइजेशन के लिए बेहतर है, अच्छा है। सो नाइस ऑफ यू।